खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से है। महिला महाविद्यालय सभागार में महाविद्यालय पत्रिका प्रकाशन समिति द्वारा दयानंद शिक्षण संस्थान के पूर्व महासचिव स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जयंती एवं वार्षिक पत्रिका अभिव्यक्ति 2021-22 विमोचन कार्यक्रम हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती अनंत स्वरूप, सदस्य प्रबंध समिति व प्रचार प्रोफेसर अंजू चौधरी ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना द्वारा किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रचार प्रोफेसर अंजू चौधरी ने मुख्य तथा विशेष अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्रचार ने स्वर्गीय नागेंद्र स्वरूप की स्मृति में कहा कि दयानंद शिक्षण संस्थान के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय तकनीकी एवं प्रबंध संस्थाओं द्वारा स्कूल का कुशल संचालन डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप की पारदर्शी निष्ठा क्रमता व्यवहार कुशलता का परिचायक है। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती अनंत स्वरूप ने कहा कि आर समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आदेशों की पूर्ति के लिए दयानंद शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसे विधान परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वर्गीय वीरेंद्र स्वरूप ने बड़ी कुशलता से सींचा। इस विरासत को उनके योग पुत्रों MLC स्वर्गीय जागेंद्र स्वरूप, स्वर्गीय राजेंद्र स्वरूप और स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप उनके पुत्रों ने आगे बढ़ाया। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना अष्टू बाबू की अनुपम उपलब्धि रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संपादक मंडल के संयोजक प्रोफेसर ज्योति किरण, डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी, डॉक्टर निशांत फातिमा, डॉक्टर संगीता कुमारी, डॉक्टर निशी सिंह, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, डॉक्टर नम्रता पांडे का विशेष योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।